तो गाइस वेलकम वंस अगेन बैक ऑन दिस चैनल। तो आज मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की सोची, बिकॉज यहाँ पे मैंने मंगवाया है घर पे अभी अपना 122 इसमें ना ये स्क्रूज हैं, उसके साथ में ड्राइवर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक रिव्यू वीडियो बना दी जाए। सो हम चेकआउट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसे लगता है, कैसे यूज़ होता है और एक्चुअली में वर्थ इट है भी कि नहीं है। सो ये 122-in-1 करके है, ये प्रोडक्ट टूल किट है बेसिकली। सो इसका रिव्यू करते हैं एंड चैनल पे नए हैं तो लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज और भी बहुत तरीके की वीडियोज़ मेरे चैनल पे आती रहती हैं इस व्लॉगिंग चैनल पे। सो चलो चेकआउट शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ओके, सो हमारे पास जो आइटम अवेलेबल है और जो हमारे पास आया बॉक्स में, आउट ऑफ द बॉक्स हमें ये मिला है, ठीक है। ये तो हो गया इसका पूरा टूल किट का बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स की तरह नहीं है। और साथ में इसके मैनुअल आएगी। इस मैनुअल में क्या क्या है, आई थिंक थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ही होगा कि कौन कौन से स्क्रूज इसमें हैं, क्या साइजेस एंड ऑल, है ना, 101 स्क्रू ड्राइवर बिट्स हैं, इंग्लिश वर्जन ऑल, ये सब चीज़ें वर्जन वगैरह उसमें आएंगी, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या है। सबसे सही चीज़ इसमें और लगी मुझे, अगर कोई ज़्यादा क्यूरियस है मोबाइल फ़ोन रिपेयर या फिर खोलना वोलना पसंद है भाई, तो ये एक मैग्नेटिक मैट है, ये मिल जाती है, स्क्रू मेमोरी मैट, ओके, इट्स अ मैग्नेटिक मैट, तो ये मिल जाती है साथ में इसके। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। इसे बॉक्स को ओपन कैसे होगा, आई थिंक यहाँ से होगा, ये हो इसे साइड कर देते हैं। सो ये इस तरीके से कुछ बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में हमारे पास क्या क्या है, ओके, ये तो क्लिप हो गई है ना, कोई चीज़ गिर जाए तो उसको पिक करने के लिए, लाइक दिस लाइक दिस, तो ये क्लिप हो गई, नाइस, साइड में रखते जाते हैं। और ये तो वो है सक्शन करने के लिए, जो कुछ चीज़ आपको निकालनी है या जो भी है, अभी मुझे पूरा यूज़ का पता नहीं बट देखते हैं। और साथ में ये भी मिली है मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड रिमूव करने के लिए, सो ये आइटम साथ में हो गया, ठीक है। और तो साथ में ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, शायद ये कीपैड, मैंने देखा था ये जो हमारे कीबोर्ड होते हैं कीबोर्ड में कीज़ निकालने के काम आ सकता है, या कुछ और कोई ऐसी स्क्रू या कोई चीज़ हो जिसको आप ऐसे प्लग करके निकाल सकते हैं ना, वो उसके लिए ही, उसके लिए ही। सो ये हो गया साथ में, और इसके साथ में हमें ये मिल जाता है, व्हाट इज दिस, ये भी कुछ वैसे ही आइटम है प्लग करने के लिए। सो ये साथ में है, ठीक है। इसके साथ में अब बात आ जाती है ये क्या है, ये भी कुछ कोई है, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके इक्विपमेंट्स हो उसको उसमें यूज़ हो जाएगा। अब मेन आता है ये वाला पार्ट, ये है हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की क्वालिटी तो अच्छी है, नो डाउट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ओके, कुछ आइडियाज का नहीं हो पा रहा बट ये खुल जाता है क्या, ओके, ये स्क्रू आई थिंक ये एक्सटेंशन है इसके आगे लगा हुआ है, और इसके आगे ना एक मैंने देखा इसमें ये वाला एक्सटेंशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है भाई। अगर मान लो कोई स्क्रू बहुत अंदर की तरफ है तो ये इस तरीके से करके चले जाता है इसमें, व्हाट इज़ दिस, यप लाइक दिस, ये हो गया ना, ये मैग्नेटिक है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, ये मैग्नेटिक है सब कुछ इसमें। और ये वाला साइड जो है, ये नट वगैरह कहीं हो ना तो ऐसे करके, ओ यार ये घूमता है, ओके आई सी आई सी, इसका यूज़ पता क्या है, देखो जब ये घूमेगा ना, एक मिनट मैं फोकस कर देता हूँ इसे, ठीक है, जब ये घूमेगा देन उसके बाद में ये भी घूमता है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये देख रहे हो ये मूव हो रहा है, ये पूरा स्क्रू ड्राइवर से ही मूव हो जाएगा, एंड दैट्स कूल, तो मस्त है, ठीक है। तो ये चीज़ काम आएगी इसके, ये इस काम के लिए एक्चुअली में, कोई भी स्क्रू हो रहा है टाइट पोजिशन जगह पे होता है कई जगह पे तो वो यूज़ हो जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओके, सो ये भी वही है, व्हाट, ये इसके आगे लगता है क्या, आई डोंट नो, इसका यूज़ मुझे समझ में नहीं आया, देखेंगे इसको बाद में। आई थिंक ये पोर्शन निकल जाता है क्या, या ये पोर्शन निकल जाता है, ब्रदर्स ब्रदर्स ये पोर्शन निकल जाता है, ओके, सो ये क्या, ये इसी के लिए क्या, आई डोंट नो, सो ये पोर्शन भी निकल जाता है इसमें से, ये एक्सटेंशन है बेसिकली इसका, व्हाट इज दिस,
ये एक्सटेंशन है जो भी है, अभी फ़िलहाल इसके अंदर जा नहीं रहा है, ये जो भी है इस तरीके से जाएगा ये। एंड व्हाट अबाउट दिस, ठीक है बेसिकली स्क्रू ड्राइवर तो ये है हमारे पास, ठीक है वो तो सिर्फ एक्सटेंशन मटेरियल है इसके साथ। तो ये हो गया इस तरह का पोर्शन। अब आई थिंक हाँ दूसरी साइड से भी ये इस तरीके से खुलेगा, और इसमें पूरे के पूरे हमारे पास सेटअप है यार। ये देख रहे हो जितने भी आपको स्क्रूज खोलने हो ना भाई, छोटे से छोटे वो सब खुल जाएंगे, है ना। जो भी आपके घर में आपको पता ही होगा कि स्क्रूज बेसिकली आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और छोटे छोटे आते हैं, तो वो सब इससे खुल जाएंगे। तो ये साथ में दिए हुए, अब इसमें ना लगा के देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये वाला चाहिए, ओके ये आजकल इस तरीके के आते हैं ना, ये फोर साइड होते हैं जो, तो ये इस तरीके से पुश करके, ओके ओके आई सी दैट वाज माय मिस्टेक गाइस। ये ना है ये इस तरीके से है भाई, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली पुश करनी है आपको इस तरीके से भाई, ये पीछे पुश होगी देन इसके अंदर आपको इसे डालना है, देन इसे रिलीज, ये इस तरीके से कर देना है ये, आई थिंक ऐसे ही कुछ, ओके अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मेन मोटिव तो हमारा यही है कि जो इश्यूज मुझे आ रहे हो तुम्हें आए, तो ये इस तरीके से अंदर जाएगा भाई, ओके आई गेस अब जाएगा ये, आई गेस अब इसके अंदर पुट करेंगे तो जाएगा ये। ओ या अब ओके आई एम सो सॉरी, आपको ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये जो दिया हुआ है ये बड़ा सा ये इस लीवर को ना इसको पीछे की तरफ जाना, ये देख रहे हो ये पीछे की तरफ ऐसे खींचेगा देन उसके बाद ये रिलीज़ करेगा, इसको लॉक सिस्टम है इसके अंदर, ये छोड़ दोगे ना तो ये इसके अंदर ऐसे तरीके से नहीं जाएगा, जब इसको पीछे की तरफ पुल करोगे इस तरीके से ना तब ये लॉक सिस्टम ओपन होगा, देन ये इस तरीके से फिट होगा। मतलब बेसिकली कहाँ गया ये, मतलब ये इस तरीके से तब फिट होगा ये, अभी तो पूरा हो गया था, कोई बात नहीं अभी भी कुछ चीज़ें पता चल रही है इसकी, ओके ये लॉक सिस्टम है ब्रोस ये लॉक सिस्टम है, ठीक है ये लॉक सिस्टम है यहाँ पे इसके, जो ये बने हुए ना ये दीज आर दी लॉक सिस्टम्स, ये तो ये यहाँ ला के रुकोगे तो नहीं होगा काम, इसमें यहीं रुकेगा ये, अपने आप लॉक हो गया ना, तो ये इससे किसी आपका स्क्रू ड्राइवर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन इसके ऊपर टॉप पे ना ये ईजिली ऐसे बस मैग्नेटिक है सभी है, बस लगाते जाओ जो आपको चाहिए वो वाला लग जाएगा, उस पर काम हो जाएगा लाइक दिस, मैग्नेटिक है सब कुछ। एंड नाउ यू कैन ईजिली जस्ट स्क्रू ड्राइवर बन गया, बढ़िया। सो ये काफ़ी लोगों के लिए डेमो हो गया भाई मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया अभी। सो ये जितने भी टाइप के आते हैं ना, चाहे डायमंड या स्टार या जो भी डिज़ाइन के आते हैं स्क्रू ड्राइवर, वो उसमें यूज़ हो सकते हैं इस तरीके से, और क्वालिटी अच्छी है, मूव नहीं होता, ठीक है ये स्लिप नहीं होता बेसिकली जगह, ठीक है स्क्रू ड्राइवर के साथ ही मूव होता है, और ये ग्रिप काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक मटेरियल है, ग्रिप अच्छी है इसकी, ओवरऑल इट्स गुड। तो ये हो गया इसका, अब ये मुझे पता नहीं क्या चीज़ें हैं, बाकी मैं इसमें देखूँगा, बट आई थिंक ये कहीं स्टॉपर्स और समथिंग है कि आई थिंक ये वही चीज़ें हैं कुछ, आई डोंट नो, मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए या किसी भी चीज़ को स्टैटिक करंट ना आए ऊपर करने के लिए नॉल, ऐसे कुछ लग रहा है। और व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस ब्रो, माय गॉडनेस, इसमें और भी दिए हुए यार ये सब, व्हाट इज दिस, और ये डी मैग्नेटाइजर है ये, ओह ये मैग्नेट है गाइस, ये मैग्नेट है भाई, डी मैग्नेटाइज है ये मैग्नेटाइज है और ये डी मैग्नेटाइज है, यहाँ नीचे पकड़ा है ये इस तरफ ही जा रहा है, ओके सो कुछ गिर गई तो ओके डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स में होता है ना, जिसमें मैग्नेटिक करंट रहने के कुछ चार्जेस होते हैं, तो इसके लिए शायद इक्विपमेंट है कुछ इसका यूज है, तो ये इट्स अ गुड थिंग। सारे के सारे इक्विपमेंट्स में इस तरीके से जितने भी है ना ये सारे के सारे डिजाइन इसमें फिट हो जाते हैं,
सो आई होप आप लोगों को छोटे से भी पसंद आया होगा मेरे स्क्रूड्राइवर में परचेज करने का। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज आती रहती है चैनल पे, मेक श्योर उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस स्क्रूड्राइवर को परचेज करना है तो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया, चेकआउट कर देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।